नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट मुर्गा। आज रॉकी चाचू ने रोमन बेटे को चैलेंज कर दिया है, बोला है ये बेल्ट मुझे दे दे बेटे, बट रोमन ने कहा नहीं दूंगा, जिससे कि टेंशन में आ गए हैं पॉल हेमन और बोल रहे हैं अब क्या होगा। रोमन रेंस ने कहा कि अब ये बेल्ट हम किसी को नहीं देंगे, पॉल हेमन अंकल आप परेशान मत होइएगा, रॉकी चाचू भले ही हैं चाचू लेकिन हम उनको भी नहीं देंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है इन दोनों के बीच इस बेल्ट को लेकर के। देखिए एंट्री हो चुकी है रोमन रेंस की और रॉक भी आ चुके हैं अंदर और उनको पटक दिया है उठा करके, बना रहे हैं रॉकी चाचू रोमन बेटे को। अब अंदर रिंग के अंदर हो रही है लड़ाई और रोमन रेंस क्या करेंगे, माई रे माई, या रॉकी चाचू लेकर के चले जाएंगे ये बेल्ट और रोमन रेंस कहेंगे ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, हो गया ये। देखिए लगा दिया है कोने के ऊपर से, रोप के ऊपर पटक दिया है उठा करके, रोमन रेंस गिर गए हैं नीचे और हो गए हैं धाराशाही। और लग रहा है अंदर से आवाज़ आई है रोमन की, माई रे माई, बहुत ही गुस्से में है रोमन रेंस, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है कि हमारे ही चाचू ने हमें चैलेंज कर दिया है। लेकिन रॉक कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर तू प्यार से ये बेल्ट मुझे दे देता तो शायद मैं तुझे मारता नहीं। रॉक छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़ पकड़ करके पीट रहे हैं, धो रहे हैं, मार रहे हैं। क्या क्या होने वाला है आज इस मैच में, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? रॉक ने पकड़ लिया है रोमन रेंस को, कर दिया है कोने के ऊपर, चढ़ा दिया है कॉर्नर के ऊपर और अब क्या करेंगे रॉक? ओह माय गॉड, ये तो दे दी है पटकी, सुप्लास दे दिया है, ऊपर से पटका है नीचे रिंग पे और भाई साहब बहुत हो रही है रोमन रेंस की पिटाई और रोमन रेंस को आ गई है याद अपनी माई, खोए जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं भाई साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहते हैं ये, क्या करेंगे, क्या निकाला है? जी हाँ, निकाल लिया है टेबल, लग रहा है बहुत गुस्से में है। टेबल के बाद रिंग के अंदर रोमन रेंस ने कर दिया है, रॉकी चाचू कह रहे हैं कि बेटे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ले बस्टर, बस्टर दे दिया है रोमन रेंस को और अब कर रहे हैं मुक्को से कुटाई और भाई साहब रोमन रेंस को याद आ रहा है अपनी माई, लेके भी जा रहे हैं खेत में और ठोक रहे हैं रोमन रेंस को रेत में, नीचे गए हैं रॉकी चाचू, लग रहा है ऊपर रखेंगे, नहीं नहीं नीचे ही फैला दिया है टेबल को और ये क्या लगा दी है आग, इस आग में जलाएंगे क्या रोमन रेंस को? ऐसा मत करो रॉकी चाचू, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस, लगा दिया है DDT, ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं रॉकी चाचू, नाक भी तोड़ दिया भाई, पटक दिया नाक भी तोड़ दिया, छोड़ नहीं रहे हैं रॉकी चाचू, बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं, कंटिन्यूस मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं रोमन रेंस को, जरा सा भी मौका नहीं दे रहे हैं। रोमन रेंस ने अपने मम्मी से कहा था कि आज रॉकी चाचू ने मुझे चैलेंज किया है माँ, मैं ये बेल्ट उनको दूंगा नहीं, मैं रॉकी चाचू को हरा दूंगा। लेकिन रॉकी चाचू ने कहा कि बेटे हम तुम्हारे चाचू हैं, तुमको प्यार से हमें ये बेल्ट दे देना चाहिए था, देखो हम पैंट नहीं पहन पा रहे हैं, हमारा पैंट सरक रहा है, हमने इसलिए तुमसे ये बेल्ट मांगा था, ये बेल्ट मुझे दे दो, मेरा पैंट सरक रहा है, मैं पैंट नहीं पहन पा रहा हूँ, तुमने मुझे मजबूर किया है रोमन बेटे। रोमन ने कहा चाचू नहीं, ये लो गिलिटीन चाचू ये गिलिटीन ले लो, लेकिन क्या होगा, क्या ये गिलिटीन सबमिशन है नहीं मेरे भाई, सबमिशन, चाचू ने एक गलती कर दी है, चाचू ने स्मार्टनेस दिखाया है, चाचू ने कहा कि तू बहुत ज़्यादा गिलिटीन लगाता है, ये क्या हो गया, ओ माई गॉड, चाचू ने एक और चीटिंग की है, अपने हुलगोगन भाई को बुला दिया है, हुलगोगन भाई ने टांग लिया है कंधे पे और पटक दिया है उसी टेबल के ऊपर जिस टेबल पे आग लगी थी, ओ माय गॉड, और दे दिया है अपना फिनिशर, फ्लैट हो गए हैं रोमन रेंस, रॉकी चाचू किसी भी तरीके से किसी भी हाल में बेल्ट लेना चाह रहे हैं, ये बेल्ट रोमन तुम्हें देना पड़ेगा, ये बेल्ट तू दे दे रोमन, तू दे दे, तू बहुत मार खा रहा है, प्लीज दे दे, रॉकी चाचू की बात मान जा, अभी भी छोड़ देंगे चाचू तुझे, भाई जिद्दी है रोमन, जिद्दी है रोमन, ने कहा कि नहीं ये बेल्ट मैं इतनी आसानी से चाचू को नहीं देने वाला। लेकिन रॉकी चाचू पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं रोमन रेंस को,
इन्होंने बताया है कि बेटे तू मानेगा नहीं, इसीलिए मैं तेरी करूँगा कुटाई और तुझे याद आएगी अपनी माई, लेके तुझे चलूँगा खेत में और ठोकूँगा तुझको रेत में, पंच पे पंच दिए जा रहे हैं, पंच पे पंच दिए जा रहे हैं। भाई साहब ऐसा कौन करता है, लेकिन भाई इज्जत की सवाल है। देख रहे हैं आप लोग कि अंडरवियर एजेंट हो गए हैं रॉक, बेचारे अंडरवियर में घूम रहे हैं। प्यार से मांगा था रोमन रेंस की बेल्ट दे दो, पैंट सरक रहा है, लेकिन रोमन रेंस नहीं माने। क्या लगता है इस टेबल पे भी पटकेंगे क्या? नहीं, रोमन रेंस ने कहा कि नहीं चाचू, नहीं ऐसा नहीं करना चाचू, ऐसा मत करो चाचू, ये बेल्ट मेरे से मत लो, देखो अगर तुम ये बेल्ट लोगे तो हम तुम्हें लगाएंगे जैक है मर। लेकिन तुरंत ही खड़े हो गए हैं रॉकी चाचू और दे दिया है क्लोज लाइन, और अब क्या करने वाले हैं? ओ माय गॉड, ये मानेंगे नहीं, रॉकी चाचू मानेंगे नहीं, इनको इस टेबल पे पटकेंगे। जी हाँ, जरूर पटकेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। रॉकी चाचू बहुत गुस्से में है। रॉकी चाचू ने कहा, रोमन बेटे रुको, रोमन बेटे तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें अब हम देंगे इसी पे अपना रॉक बॉटम। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड? रॉक बॉटम लगाने के बाद पूरी तरीके से एटीट्यूड दिखा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं ही हूँ इस न बेस्ट, रॉकी चाचू इज द बेस्ट। ओ माय गॉड, इतनी हो गई है पिटाई रोमन रेंस की। रोमन रेंस चिल्ला रहे हैं, माई रे माई, फिर दे दिया है रॉक बॉटम। ओ माय गॉड, इतना कौन मारता है भाई, इतना कौन मारता है, छोड़ दो इसे। रोमन रेंस कुछ प्रयास कर रहे थे क्लोज लाइन देने का, लेकिन रॉकी चाचू ने कहा कि नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। बहुत बिजली की तरह तेज है, स्पीड और पावर दोनों हैं रॉकी चाचू के पास। रॉकी चाचू पटके जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज ये बेल्ट लेकर रहेंगे, इनकी ये जो ऑडियंस आपको दिख रही है, ये इनके अंडरवियर पे हंस रही है ये ऑडियंस, इनका सांड पीछे से दिख रहा है, देखो आप लोग। भाई गुस्सा आएगा, घर की बात थी, दे देना चाहिए था, शादी में जाना था रॉकी चाचू को, लेकिन माने नहीं रहे। रोमन बेटे को इसकी पूरी सजा दे रहे हैं रॉकी चाचू, बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं। लेकिन भाई साहब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं था, ये चाचू बेटे का रिश्ता था जो तुमने गड़बड़ किया है। देखो जब बेटा लिमिट से बाहर हो जाए तो उसे समझाना चाहिए, और ये चीज़ रॉकी चाचू जानते हैं, आज वही काम करने आए हैं, आज समझा रहे हैं, बता रहे हैं। दे दिया है फिर से रॉक बॉटम। ओ माय गॉड, बिल्कुल मान नहीं रहे रॉकी चाचू भी। रॉकी चाचू मुक्के पे मुक्का धपा धप दिए जा रहे हैं, लेके चले गए हैं खेत में और ठोक दिया है इनको बस्टर। ओ माय गॉड, अब क्या होगा रोमन तुम्हारा, ये बात कह रहे हैं, तुमको समझा रहे थे रॉकी चाचू, लेकिन तुम माने नहीं, तुम बिल्कुल नहीं माने हो, इसीलिए तुम्हारा आज हम कर रहे हैं कुटाई और तुम चिल्ला रहे हो माई रे माई। आज ये अपनी मम्मी को प्रॉमिस करके आए थे कि मम्मी ने भी उनको मना किया था, बोला था कि चाचू का पैंट सरक रहा है, दे दो चाचू को बेल्ट, लेकिन ये माने नहीं। रॉक बॉटम पे रॉकी चाचू लगाए जा रहे हैं। कितना मारोगे रॉकी, प्लीज छोड़ दो रोमन को, छोड़ दो, कहीं रोमन को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी धुलाई करेंगे रोमन। ये देखिए रोप के ऊपर से दे दिया है सुप्लेक्स, क्या रॉकी चाचू वही बेल्ट पहन करके जाएंगे लक्षद्वीप, वहाँ करेंगे रिलैक्स, इसीलिए रोमन बेटे को दे रहे हैं सुप्लेक्स। ओ माय गॉड, घुटने से कमर तोड़ने का प्रयास है, क्लोज लाइन दे दिया है, गर्दन को भी नहीं छोड़ रहे हैं भाई, सर गर्दन पैर हाथ भाई, मुंह पे तो बहुत मार रहे हैं, इसी मुंह से इसी जुबान से तुमने बोला था, जो आज चड्ढी पहन करके रॉक चाचू आए हैं उसका रीज़न तुम ही हो रोमन, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, रॉकी चाचू को उनको बेल्ट दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमने जो ये गलती की है इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। रॉकी चाचू को शादी में जाना,
ये पूरी दुनिया हंस रही है रॉकी चाचू के ऊपर जो कि अंडर वियर में घूम रहे हैं। रॉकी चाचू नहीं छोड़ेंगे तो नहीं रोमन नहीं छोड़ेंगे। ओ माय गॉड ओ माय गॉड, रॉकी बम भी लगाएंगे लग रहा है मुझे। ओ माय गॉड, फेंक दिया है बाहर। बोला कि मैं हूँ मैं हूँ सुरमा, मैं हूँ कल्लायक। साउथ इंडियन वाला डायलॉग जो मारा है रॉकी चाचू ने, हाय इतनी मार रोमन रेंस ने शायद कभी खाई होगी। लग रहा है रोमन रेंस थक गए हैं। तीन चार दिन पहले आपको याद होगा, तीन दिन पहले इन्हीं रोमन के बेल्ट के लिए तीन लोगों ने उनसे बेल्ट मांगा, लेकिन उन लोगों को भी रोमन रेंस ने छोड़ा नहीं। रोमन रेंस ने कहा था कि हम बेल्ट नहीं देंगे और तीनों को केला था भाई और बेल्ट अपने पास रखा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोमन रेंस का भी टाइम सकता हाँ जी हाँ वो भी चाहते हैं कि वो भी उस बेल्ट को रखे ताकि वो पैंट उनका ना सकता, इसीलिए फुल पैंट में घूमते हैं जो कि बेल्ट रखते हैं। लेकिन बस्टर, ये जो बस्टर दिया है और ये जो आग लगाई है, ये जो सीने की आग है रॉकी चाचू की, उन्होंने टेबल पर लगा दिया। लेकिन रोमन ने कहा कि नहीं चाचू, इस बार तो तुम्हें हम इस टेबल पे हम पटेंगे। लेकिन ये क्या, रॉकी चाचू पूरी तरीके से तैयार हैं, तैयार हो के आए हैं। प्यार से उन्होंने घर पे मांगा था, तुम्हें दे देना चाहिए था जो कि तुमने किया नहीं है, जो तुमने किया नहीं है और इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन रोमन रेंस ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेल्ट तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा रॉकी चाचू। बिल्कुल, और हथौड़ा लेकर के आए थे रॉकी चाचू को। रॉकी चाचू को भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं रोमन रेंस, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं रोमन रेंस। इनको स्लैज हैमर देना चाह रहे थे, लेकिन फिर रिंग के बाहर जो उठा करके पटका। और ये क्या कर दिया रॉकी चाचू ने अपने बेटे के साथ, इतनी दरिंदगी कौन दिखाता है रॉकी। केवल पैंट की बात थी, कोई बात नहीं, तुम दूसरा बेल्ट ले लेते, तुम्हें वही बेल्ट क्यों चाहिए था। मुझे लगता है कि घर में एक ही बेल्ट है, इसीलिए रॉकी चाचू इतना गुस्से में आ गया। बारात करने जाना था रॉकी चाचू को, लेकिन नहीं, ये जो रोमन ये माना नहीं मेरे भाई, ये माना नहीं। मैं भी वहीं था, मैं भी कह रहा था कि देखो मैंने जो रिंग बनाया है उसका खर्चा बहुत आएगा, इससे अच्छा है कि तुम मेरे से बिल्ट, मैं दे दे रहा था रॉकी को बिल्ट। लेकिन भाई रॉकी ने कहा नहीं, अब आत्मसम्मान की बात है, अब आत्मसम्मान की है मुर्गा भाई, कि आत्मसम्मान की बात है। ये जो रोमन ने बेल्ट मुझे नहीं दिया है, इसकी सजा मैं रोमन को दूंगा। राज वही हो रहा है, ऐसा नहीं था रॉकी चाचू, ऐसा नहीं था रोमन, रॉकी चाचू ऐसा नहीं था। पंचेस पे पंचेस, अब निकाल लिया है बेस बैट। क्या बेस बैट, जी हाँ, सर को दिया है फोर, और अभी भी बेस्ट बेस बैट, बेस बैट से मारा भाई रॉकी चाचू को। क्या दिया है भाई, घुमा के दिया है रोमन रेंस ने। लेकिन रॉकी चाचू चाह रहे थे कि स्लेज हैमर से मारे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छीन करके रोमन रेंस ने दे दिया स्लेज हैमर रॉकी चाचू को। रोमन पेटे उठा चुके हैं लैडर, लेकर के आ रहे अंदर। क्या लैडर से मारेंगे, कहीं ऐसा ना हो ये लैडर तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाए। नहीं, इस लैडर के साथ दे दिया है रोमन रेंस ने रॉकी चाचू को। लेकिन रॉकी चाचू ने बोला तुमने लैडर से मारा, ये लो मेरा रॉक बॉटम, तुम्हें रॉक बॉटम खाना होगा। हम अब इस बेल्ट को लगा करके जाएंगे लक्षद्वीप, वहाँ करेंगे रिलैक्स। तुम खाओ रॉक बॉटम, तुमने जो बेल्ट हमें दी नहीं थी, अब तुम्हें देना पड़ेगा। ये बेल्ट मेरा है, हाँ ये बेल्ट मेरा है। अगर तुमने प्यार से दे दिया होता रोमन, मेरे लौंडे, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तो तुम्हें मैं आज इतना नहीं मारता। और देखो इस बेल्ट का जो सामने का हिस्सा है वो हमने खाली कराया है, अब यहाँ पे हम अपनी फोटो लगवाएंगे, रॉकी चाचू लिखवाएंगे, जिससे तुम्हें याद रहे कि ये बेल्ट तुमने मुझे नहीं दी थी, और जब जब ये मैं बेल्ट पहनूंगा तब तक तुम्हें याद आएगा कि रॉकी चाचू को यही वाला बेल्ट जो तुमने नहीं दिया था। यहाँ मैं अपनी फ़ोटो लगवाऊंगा दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ सूरमा, मैं हूँ खलनायक, इज़ द बेस्ट रॉकी चाचू, इज़ द बेस्ट।
तो अब तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।